तो भाई बेस वेरिएंट में आपको एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिल रहा है भाई। जब भी हम सभी लोग एक कार लेते हैं, प्लान करते हैं, तो दिमाग में आता है कि भाई हमें सेफेस्ट कार लेनी चाहिए। तो टाटा नेक्सॉन से ज़्यादा कौन सी सेफेस्ट कार है आज के टाइम पर इंडिया में, ये मुझसे ज़्यादा तो आप सभी लोग जानते हैं, है ना। अभी अपने साथ में है टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस वेरिएंट, यानी कि सेकंड बेस वेरिएंट। आज के इस वीडियो में इसका डिटेल बैकग्राउंड करने वाले हैं एंड कंपनी इस कार में क्या कुछ ऑफर कर रही है इस वाले वेरिएंट में, वो सब कुछ जानने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्क्रिप्ट किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेक्सॉन की कलर की। नेक्सॉन आपको मल्टीपल कलर्स में मिल जाएगी, और एक और अच्छी बात है, नेक्सॉन जो है EV में भी आती है, क्योंकि फ्यूचर जो है हम लोगों का EV का ही होने वाला है। टाटा कंपनी नेक्सॉन के साथ में इस वाले वेरिएंट के साथ में कुछ इस तरीके की चाबी देती है, ये देखिएगा। एक तो ये प्रॉपर फिजिकल की हो गई, एंड दूसरी इसके साथ में ये रिमोट हमें मिल जाता है, जिसमें लॉक अनलॉक एंड फॉलो मी हेडलैम्प वाला बटन मिल जाता है, ये देखिएगा कुछ इस तरीके से। एंड ये फ्लिप की है, अच्छी बात ये है कि ये एक वेब की है, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील कराती है, ये देखिए। आइए अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। नेक्सॉन की लेंथ है 3995 mm की, यानी कि 4 मीटर से कम है इसकी लेंथ। इसकी विड्थ है 1804 mm की, हाइट है 1620 mm की। इसमें ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm का मिलता है भाई, इनकी हैरियर और सफारी से भी ज़्यादा। एंड इसका व्हील बेस है 2498 mm का। ये है नेक्सॉन की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल, ये देखिएगा, पास से दिखाता हूँ। सेंटर में टाटा का लोगो मिल जाता है, एंड इसका पैटर्न जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। पहले ये 3D में आता था और अब ये नॉर्मल आता है। यहाँ पर ये देखिए पियानो ब्लैक, साइड टर्न इंडिकेटर LED में मिलते हैं। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो भाई बेस वेरिएंट में आपको LED हेडलैम्प सेटअप मिल रहा है भाई। कंपनी देख रहे हो कितना कुछ अपने कस्टमर को दे रही है, लेकिन इधर ये फॉग लाइट नहीं है जिसको आप एडिशनली लगवा सकते हो। एरोडायनामिक डिज़ाइन दिया गया है, फ्रंट ग्रिल रेडिएटर ग्रिल का पैटर्न जो है कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। फ्रंट बम्पर बोनट पर एजेस कुछ इस तरीके के मिल जाते हैं, लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस एंड इसके लुक को मस्कुलर भी बना रहे हैं, ये देखिएगा। वाइपर का पैटर्न, फ्रंट विंड शील्ड एंड साइड टर्न इंडिकेटर यहाँ पर भी मिलते हैं हम लोगों को। ORVM पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है, ब्लैक कलर में है। फेंडर पर यहाँ पर लाइट नहीं मिलती है, ये अच्छी बात है। बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की। फ्रंट में कंपनी ने इंडिपेंडेंट लोअर बेसबन मैकफर्सन स्टड विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन लगा कर दिए हैं। 16 inches के स्टील व्हील ऑफर किए गए हैं, और इस पर ये व्हील कवर लगा हुआ है। गुडसियर के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं। प्रोफाइल है 195/60R16। फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है, टायर में ग्रिप्स को जिस तरीके की मिल जाती है। ये डोर क्लैडिंग, डोर हैंडल बॉडी कलर में नहीं है, ये देखिएगा, रब ब्लैक है। एंड ORVM पियानो ब्लैक है, कोई भी रूफ रेल्स नहीं है, ना ही सनरूफ है, ये देखिएगा। शार्क फिन एंटीना दिया गया है, एंड ये सेकंड रो के लिए 44 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, पेट्रोल वेरिएंट है ये। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने सेमी इंडिपेंडेंट ओपन प्रोफाइल ट्विस्ट बीम विथ स्टेबलाइजर बार कॉइल स्प्रिंग एंड शॉक एब्जर्वर लगा कर दिए हैं। एंड रियर में भी सेम प्रोफाइल है भाई, ये देख लो। एंड रियर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि रियर में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है भाई। नेक्सॉन की रियर प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है स्मार्ट प्लस वेरिएंट की। सेंटर में टाटा का लोगो, उसके नीचे कैमरा, यहाँ पर ये नेक्सॉन की ब्रांडिंग, टेल लाइट LED में दी गई है। इसके अपर वाले वेरिएंट में ये कनेक्टेड आएगी, यहाँ पर भी पैटर्न दिया गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये काम नहीं करता है। यहाँ पर ये टाइगर हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिएगा, ये रहा इसका स्पॉइलर। एंड कोई भी डिफॉगर, कोई भी वाइपर नहीं मिलता है इस वाले वेरिएंट में। हाँ, रियर में पार्किंग सेंसर ज़रूर मिल जाते हैं, ये देखिएगा। रियर बम्पर कुछ इस तरीके पैटर्न में है, रिवर्स लाइट रिफ्लेक्टर मिल जाता है। आइए नेक्सॉन का इंटीरियर देख लेते हैं, ये देखिएगा। ड्राइवर डोर कुछ इस तरीके के पैटर्न में है, डोर हैंडल यहाँ पर सभी, विंडोज़ कंट्रोल, ग्रैब हैंडल, होटल रखने के लिए कपड़ा वपड़ा रख सकते हैं अपन, इधर इतना स्पेस मिलता है। स्पीकर, ट्विटर, इधर ये ORVM कंट्रोल करने के लिए, इधर ये रिफ्लेक्टर हमें मिल जाता है, लाइट नहीं है, रिफ्लेक्टर ही अच्छी बात है, ये देखिएगा। इंटीरियर ड्राइवर साइड से कुछ इस तरीके का है। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट के साथ में नहीं है, रिक्लाइन कर सकते हैं। फैब्रिक सीट इसमें ऑफर की गई है। हेडरेस्ट ये देखिएगा एडजस्टेबल मिलते हैं। एंड यहाँ पर ये इग्निशन दिया गया है, AC वेंट, नीचे की तरफ ABC पैडल्स, यहाँ पर ये
फ्यूल लिड ओपन करने के लिए, बोनट ओपन करने के लिए। इसके स्टेयरिंग व्हील का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, डैशबोर्ड इसका कुछ ऐसा है। भाई यहाँ पर तो कुछ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये भाई नई वाली नेक्सॉन है, इधर ऐसे कुछ नहीं आएगा। इग्निशन को जैसे ही मैंने ऑन किया वैसे ही आप देख लो, इसके मीटर, इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम और इसके स्टीयरिंग व्हील की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, इल्यूमिनेटेड टाटा का नया वाला लोगो मिलता है। यहाँ पर ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, इधर ये क्रूज कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं, MID कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल लीवर है, राइट साइड में लाइट कंट्रोल लीवर दिया गया है। फुल्ली डिजिटल मीटर मिल जाता है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती हैं। यहाँ से अपन इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। डैशबोर्ड इसका कुछ इस तरीके का है। ये रहा हार्मन कार्डन का इन्फोटेनमेंट सिस्टम, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमको मिल जाती हैं। होम पर चलते हैं, ये देखिएगा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। आई थिंक इसमें वायरलेस नहीं दिया गया है, लेकिन वायर वाला दिया गया है, USB। जी हाँ, वायर वाला है इसमें, क्योंकि USB भी तो नहीं लगा है अभी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें अपन को मिल जाती हैं। पार्क असिस्ट मिल जाता है, ये देखिएगा। एंड ये रहा इसका डैशबोर्ड, को ड्राइवर साइड डोर, इधर ये ग्रैब हैंडल, वैनिटी मिरर इसमें दिया गया है सनसेट में, को ड्राइवर साइड, इधर ये LED लाइट, IRBM दिया गया है जो कि ऑटो डिमिंग के साथ में नहीं है। यहाँ पर ये नीचे की तरफ सभी AC कंट्रोल बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पर ये हज़ार लाइट बटन, टेल गेट को ओपन करने के लिए इधर ये बटन दिया गया है, पीछे नहीं मिलता है। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गेयरबॉक्स ऑटोमेटिक में भी आती है। एंड इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं अपन को, सिटी, इको एंड स्पोर्ट, ठीक है भाई। ये रहा हैंड ब्रेक, यहाँ पर ये कुछ इतना स्पेस मिल जाता है, इधर ये स्पेस मिल जाता है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, इसकी सीट बेल्ट एडजस्टेबल नहीं मिलती है, फैब्रिक सीट दी गई है। इसके कंफर्ट की अगर बात की जाए तो भाई नो डाउट नेक्सॉन में कंफर्ट है। एंड इसी के साथ साथ ये भाई 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आती है, एंड काफ़ी सारे प्रूफ भी इसके हम लोगों को मिल जाते हैं सड़क पर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है इस वजह से कि भाई अपना इंडियन ब्रांड है। एंड परफॉर्मेंस इससे काफ़ी अच्छी मिल जाती है, इंटीरियर इसका काफ़ी अच्छा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील होता है हमको अंदर। चलिए चलते हैं इसके सेकंड रो में, देखते हैं वहाँ क्या कुछ मिलता है। इसका ये सेकंड रो, डोर कुछ इस तरीके के पैटर्न में है, इधर ये फैब्रिक सीट, ISO फिक्स, चाइल्ड माउंट, एंड इसमें 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है। सीट बेल्ट इसमें 3 दी गई हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये रहा इसका इंटीरियर, चलो अंदर बैठते हैं भाई, देखते हैं कितना स्पेस है। अरे भाई, ओ ये नीचे है इससे, ये देखिएगा, ठीक ठाक स्पेस है, इधर ये स्पेस मिल जाता है, इधर कुछ नहीं है भाई, इधर कोई भी चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं दिया गया है, ये देख लो, इधर ही मिल जाता है जो भी मिलता है अपन को, 12 वोल्ट का और टाइप ए पोर्ट, इधर कुछ भी नहीं है। ये रही इसकी पार्सल ट्रे, ग्रैब हैंडल, कोट हुक, इधर ये ग्रैब हैंडल, कोट हुक नहीं है, कोई भी लाइट इधर नहीं मिलती है। कंफर्ट की अगर बात की जाए तो भाई नेक्सॉन में कंफर्ट तो है, नो डाउट। चलो बाहर निकलते हैं, इसका टेल गेट ओपन करते हैं, देखते हैं बूट स्पेस कितना मिलता है। उससे पहले मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ, इसमें ये छोटा सा हम्प दिया गया है। टेल गेट ओपन करने के लिए भाई हमें यहीं जाना होगा, एंड यहाँ पर ये बटन है, एक बार बीप करता है एंड ये हो गया यहाँ से ओपन। 385 लीटर का आई थिंक इसमें बूट स्पेस है, काफ़ी ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। एंड यहाँ पर ये डीप भी है, ये इसकी पार्सल ट्रे हो गई, और कुछ इतना स्पेस जो है हमको इसमें मिल जाता है। एंड ये देखो, इधर ये हुक वगैरह भी दिए गए हैं। चलो इसको करते हैं बंद और इसके इंजन के बारे में जान लेते हैं, जहाँ से इसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। वो कहाँ से निकलेगी? इंजन से। उसके लिए इसका हुड ओपन करना होगा। भाई ये रहा नेक्सॉन का पेट्रोल इंजन, जो कि 1.2 लीटर के साथ में टर्बो चार्ज रेवोट्रॉन इंजन है। इसकी डिस्प्लेसमेंट है 1199 cc। इसकी मैक्सिमम पावर है 118.27 bhp की 5500 rpm पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 170 न्यूटन मीटर का 1750 rpm से 4000 rpm तक। और भाई ये एक 3-सिलेंडर 4-वॉल्व इंजन है, ठीक है। ये देखिएगा इसकी इंस्टॉलेशन कुछ इस तरीके से की गई है, एंड इसमें एमरॉन की बैटरी ऑफर की गई है। आप मुझे बताओ, एमरॉन की बैटरी अच्छी होती है या फिर एक्साइड की? क्या एक्सपीरियंस है आपका इन दोनों बैटरी के साथ में? यहाँ पर ये प्रॉपर इंस्टॉलेशन, जिसकी वजह से इंजन नॉइस वगैरह है केबिन में ना जाए।
तो भाई फाइनली मैंने आपको इस कार के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया है। बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। टाटा कंपनी अपनी इस नई कार पर 3 साल और 1 लाख किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई ये पेट्रोल वेरिएंट में आती है, लगभग ये 17 के आसपास का माइलेज निकाल कर दे देगी। फिर डिपेंड करता है कार कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो भाई इसमें मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं, ये ऑटोमेटिक में भी मिल जाएगी आपको, डार्क एडिशन में भी मिल जाएगी, मैनुअल में भी मिल जाएगी। इसकी एक्सोर में स्टार्टिंग हो जाती है 8 लाख रुपीज़ से, जी हाँ 8 लाख रुपये से, और नेक्सॉन पर वर्तमान में आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल सकता है up to 80,000 तक का, क्योंकि नेक्सॉन की 7 लाख से भी ज़्यादा कारें जो हैं इंडिया में बिक गई हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं प्राइस की इस वाले वेरिएंट की। ये इसका स्मार्ट प्लस वेरिएंट है, इसकी एक्सोरूम प्राइस है 8,90,000 रुपये, ऑन रोड आते आते तकरीबन ये आपको 10,05,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आपको बोल रहा आइडिया मानिएगा, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, प्लस माइनस 5-10 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस कार से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब जो है आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे, और आपने इस कार को लेने का प्लान भी कर लिया होगा। नेक्सॉन ले रहे हो या फिर महिंद्रा की 3XO ले रहे हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कार से संबंधित आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, कमेंट करने ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड IB पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और इंपॉर्टेंट वीडियोज़, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।